हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बेनिशी नाम और हमारे साथ मौजूद मैं हूं अब्दुल बासित खान किराया पूरा तो बेनिशी सबसे पहले बहुत-बहुत शुभकामनाएं। वेलकम बैक अब्दुल बासित खान। बहुत-बहुत शुक्रिया बेनिशी आपने आप लोगों ने तो बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले और शुभकामनाएं बहुत सारी। हैप्पी होली। अरे हां यार, ठीक है ना, कलर कहां निकाले? ला रहा हूँ कलर, कलर लाऊंगा तो वीडियो पूरी नहीं हो पाएगी। बिलेज बोलेगी पैकअप। बड़ा मजा आता है कलर वाले लाने में। हाँ, तो आप लोग बताइएगा क्या किया आप लोगों ने होली में, एंजॉय किया किस तरह? हम थोड़ा लेट हो गए आई थिंक। हाँ, वीडियोस तो खैर हम लोगों ने मतलब वैसे देखते हैं क्योंकि बड़ा अच्छा सा लगता है कलर वाले। क्या कलर होते होंगे बस यार, लगा के बैठना चाहिए था आज हमें। तो आज हम देख रहे हैं अब्दुल बासित खान, बिल्कुल नया नया पुराने हम लोग बीबी की वीडियो देख रहे हैं बी एंड बी। तो ये है होली पार्टी, तो देखते हैं फिर पता चलेगा क्या है। हाँ भैया, एक छोटा सा गार्डन ही चलेगा, 50-60 लोग ही तो है, साफ तो होगा ना। हाँ, और क्या, घास तो कटी हुई चाहिए। मैं मेरी बात करा। हेलो, हाँ जी, आप इवेंट करवाते हैं, टट्टी करवाते हैं, खेत में हगने थोड़ी ना बैठेंगे फाट लोग, नहीं तो घास तो काटनी पड़ेगी। होली पार्टी के लिए गार्डन मांग रहे हैं, अब कमर तक घास होगी तो घास फूतड़ में नहीं घूमेगी। बहुत टाइम हो गया होली खेले हुए। याद है जब छोटे थे तो एक रात पहले बाल्टी में इतने सारे गुब्बारे भर के रखते थे, फिर सुबह होती आने जाने वाले पे गुब्बारे मारते थे। तू नहीं खेलता था गुब्बारों के साथ? एक सेकेंड, अभी 3 दिन पहले ही खेल रहा था। पर होली तो परसों है ना। ओ, होली के गुब्बारे नहीं, आप घास काटिए, होतिया मत काटिए। मेरी तो बगल वाली दुकान के पास खड़ी है। फिर नीचे किसकी खड़ी है? मेरी है, मैं हटा के आता हूँ। बेटा कोई बात नहीं, इंसानों से गलती हो जाती है। मैं क्या जानवर हूँ? मामा आप बहुत सही टाइम पे आए हो। क्यों, किसको बच्चा करना है? अरे नहीं नहीं, ये हमारा भाई इस साल होली पार्टी करवा रहा है, बहुत छोटी सी। शाबाश शाबाश, परसों होली है ना, तो मैं 50-60 लोगों की गैदरिंग करवा रहा हूँ। डीजे और केटरिंग वाली से बात होनी बाकी है, लेकिन गार्डन बुक हो गया, उसकी घास कटनी बाकी है। पिचकारियां मैं ले आऊंगा, मैं टेंट वाले को बोलता हूँ। मामा क्या हुआ? तुम लोगों को देख के मुझे अपने पिताजी याद आ गए, फिर हम तो जिंदा है। वो कहते थे कि बेटा जो काम करो उसके अंदर डूब जाओ। नाना जी भी मेहनती थे, शराबी थे, पूरा दिन शराब में डूबे रहते थे। लेकिन मुझे अपने बचपन के होली के दिन याद आ गए, सारी पिचकारी सारे गुब्बारे माताजी और पिताजी लेके आते थे। मुझे जल्दी सुला के पिताजी रात भर अपनी पिचकारी घिसते रहते थे। एक दिन पिचकारी लीक होने लगी तो माताजी ने पिताजी से बोला, लाओ मुझे घिसने दो, तुम गुब्बारे संभालो। पूरी रात माताजी ने मेरे पिताजी की पिचकारी घिसी और पिताजी गुब्बारे देखते रहे। टेंट वाले को फोन करियो सर। हेलो, खुला आसमान टेंट्स, परसों होली आ रही ना, तो मैं 50-60 लोगों की गैदरिंग करवाऊंगा। तो क्या 8,000 का टेंट? भैया मनीष मल्होत्रा की लहंगे लटकाते हो क्या? ये कोई मार्केट रेट नहीं है, मैं एक और दुकानदार के सामने खड़ा हूँ, वो मुझे 2,000 रुपए भी दे रहा है। झूठ नहीं बोल रहा, खुद बात करो। हेलो सोनू, वो टेंट बढ़िया से लगा दियो, मुंडे ने टकले के घर। हाँ जी भैया। हाँ जी बोलो। बड़ा सस्ता माल दे रहे हो। अरे भाई साहब, टेंट 2,000 में नहीं दे रहा, टेंट तो 500 रुपए का दे रहा हूँ, लेबर 1,500 की है। इतनी महंगी लेबर? लेबर इसलिए महंगी है क्योंकि उनके हाथ नहीं है। अरे क्या झूठ बोल रहे हो, पता कर लो मार्केट में शाहजहां टेंट वाले के बारे में, A1 काम है। लो भाई, हेलो, मैं आपको डिटेल्स व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके ओके ओके, 2,500 में टेंट बुक हो गया। अब केटरिंग वाली को बोलता हूँ, उसका नंबर नहीं आएगी। अबे उसी दिन ऑनलाइन डिलीवरी मंगवा लेंगे ना। बेटा कहाँ, इतना खुशी के मौके पर हाथापाई करते बैठोगे? तो इतनी सी बात है, गुल्लू कब काम आएगा? इफ मैन इज राहुल द्रविड़ और जुगाड़ डिपेंडेबल। हाँ गुल्लू, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे थैंक यू। गुल्लू अंकल की एनिवर्सरी? कोरोना की ठीक 1 साल पहले हमारे बिजनेस पे ताले और लौड़े दोनों लग गए थे। हाँ गुल्लू, वो भाने का दोस्त नहीं है? अरे वो जो अपने हाथ से खुश रहता है। हाँ भाई, हाँ तो वो परसों होली के लिए कोई इवेंट करवा रहा है, तो उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना था, तू बात कर ले।
हाँ जी, वो परसों वो होली आ रही है ना, तो मैं 50-60 लोगों की गैदरिंग करवा रहा हूँ, तो डीजे और केटरिंग वाले से बात होनी बाकी है अभी। हम मामा यहाँ आ गए हैं, तो होपफुली ये मेरा पहला इवेंट है, सक्सेसफुल हो जाएगा, और आने वाले कुछ टाइम में और इवेंट कराता रहूंगा मैच, है ना। जुड़ी से छूट रही है मामा, है ना। आप यहाँ होते तो बड़ा अच्छा लगता दिल को। एक सेकंड, एक मामा बात करना चाह रही। हाँ बोलो। हाँ यार, बहुत बोलता है चूतिया। इंग्लैंड की रानी नहीं होगी वहाँ, शर्मा और कनौजिया के बच्चे होंगे, तू एक भिंडी भी रख, क्या पिएगा? अब तो सरकार ने लीगल ड्रिंकिंग एज भी गिरा दिया है। बियर, एक फ्रूट बियर, दो माउंटेन ड्यू, ड्यू, ओके सी यू। मामा जी, होली में थोड़ी तो शराब होनी चाहिए। बेटा भांग मोसड़ा मत कर, ढंग से होली खेले। मामा जी, आपको कितना ज्ञान है। बेटा मैंने लाइफ में बस दो चीजें छोड़ी हैं, दूसरा नंबर का ज्ञान है, अब बचता है एंटरटेनमेंट। इसको बुलाएं। तुम लोगों को डेविड गेटा पसंद है? डेविड गेटा को कौन नहीं जानता। हाँ, राजा डेविड गेटा, उसका एक बहुत बड़ा फैन है, डीजे मेहता, मेरे घर के बगल में रहता है। समा मानने का क्या मान देगा, ऐसे कैसे किसी को भी बुला ले। अरे तुमने उसका वो सुपर हिट गाना नहीं सुना? कौन सा? हनीमून पे ले गए जर्मनी, हनीमून पे ले गए जर्मनी, जर्मनी जर्मनी, हमारे सजना को पसंद मिशनरी, हमारे सजना को पसंद मिशनरी, अरे भैया हमारे सजना को पसंद मिशनरी। हनीमून के लिए गए फिर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, हनीमून के लिए गए फिर स्विट्जरलैंड, वहाँ भी काम आया खुद का है, वहाँ भी काम आया खुद का है, वहाँ भी काम आया खुद का है। कैसे कर रहे हैं मामा? बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, नया गाना निकाला उसने, वॉल्यूम, टीवी की वॉल्यूम कर दो बंद, टीवी की वॉल्यूम कर दो बंद, स्टंप के पीछे ऋषभ पंत। समझ गया, इसी को बुला लेते हैं। लेकिन मामा जी, आपके पास हर बात का फलूफन कैसे है? जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव दिखेगा, आगे देखोगे तो आशा है। थ्रीसम की यही परिभाषा है। थ्रीसम क्या होता है जीजा जी? थ्रीसम मतलब तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, सब एक दूसरे के भीतर। बॉम्बे जाना था मुझे अगले हफ्ते। क्यों दिवाली नहीं जा रहा अपनी माँ से मिलवाने? अरे नहीं, वो ऑफिस की कोई मीटिंग है, लेकिन अब जाना मुश्किल है वो कोरोना की वजह से। तो कोई बात नहीं पापा, इस बार साथ में होली मनाते ना। अरे हाँ, ये लोग पार्टी करवा रहे हमारे लिए छोटी सी, 50-60 लोगों की। मामा जी। अच्छा बेटा, जीजा जी ये अकेला पार्टी करवा रहा है, ये दोनों मदद कर रहे हैं। अरे वाह। नहीं, पार्टी मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आप सब लोगों के लिए नहीं। मतलब रिया ने पिछले हफ्ते बोला था कि उसको अपनी फैमिली के साथ एक होली की धमाकेदार पार्टी करनी है। मैच कौन? रिया, इसकी दोस्त, जो पिछले हफ्ते ही दोस्त बनी है। तो मैंने बोला मैं करा दूंगा। हम लोग इनवाइटेड है या ट्यूशन के दोस्तों की तरह? कोई इज्जत नहीं हमारी। अगर मैंने अरेंज करवा दी तो मैं तो रिया की नजरों में हीरो बन जाऊंगा, और फिर उसके साथ मुझे डबल एंट्री करने का मौका मिलेगा। तू अपने भाई का घर बसता हुआ नहीं देखना चाहता है? रिया, हाँ रिया, सब अरेंजमेंट हो गए वेंचुरदास? हाँ सब हो गया है ऑलमोस्ट। सुनो ना, विशाल मुझे कल से टेक्स्ट कर रहा है दैट ही इज सॉरी फॉर एवरीथिंग। विशाल कौन? तुम्हारा वो एक्स? तो मैं सोच रही हूँ उसी के साथ कपल एंट्री कर लूँ फाड़ी में। हेलो, फिर कट गया। कट गया भाई। हेलो रिया। या दिस इज इंस्पेक्टर टीटू फ्रॉम सफदरजंग थाना, इसके पिछवाड़े पे दो डंडे मार दिए हैं, शाम को आप भी आ जाना। एक्सक्यूज मी, आप होली पार्टी करवा रहे हो ना? मैंने सुना, कितने लोग आ रहे हैं? 60 61। 61st कौन है? कोरोना देश में फिर फैल रहा है ना, अखबार पढ़ते हो या सिर्फ रील चल रहे आजकल? हेलो, सॉरी भाई, सॉरी मामा। ए बेटा, मोहब्बत की वजह से जो यारों को ठुकराते हैं वो लैटरिन में फिसल के मरते हैं। तो अब क्या करना है होली पे? गुजिया खाएंगे और क्या। तुम लोग खा लो, मेरे तो पेट में गड़बड़ है। पेट में गड़बड़ हो तो सोडा लेने का, ऊट में गड़बड़ हो तो लड़ा ले। ये था बीवी की वाइफ, और हमेशा की तरह एक शानदार स्क्रिप्ट, जिसके फिल्म के जो डायलॉग्स हैं ना उसके, यार उसमें बस मुझे पता होता है कि इसमें एक दो करेक्टर ऐसे हैं जो अचानक कूदेंगे बीच में, हाँ सुन के वो क्या बोलता है फुरफुराहट, वो सबसे बेहतरीन है अभी। तो आज का सबसे पसंदीदा डायलॉग तुम्हारा? यार डायलॉग तो बहुत सारे, मैं बोलूँ ऐसे वाले नहीं। आप बोलने में
कवर कर लो तभी तो ये काम तुमको सौंपा है। मैं हाँ कर लूंगी बासित में हाँ कर लूंगी कैरी ऑन कैरी ऑन। तुम लोग सही बोल रहे हैं सही बोल रहे तो बस जो भी ये डायलॉग सारे शानदार थे, हमें बोलने की जरूरत नहीं मुझे लगता है, हमें दोबारा से दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन सबसे अच्छा ये था, मतलब बिल्कुल स्टार्ट से दिखा रहे थे सबको इन्वॉल्व कर, कोई कोई अरेंजमेंट करवा रहा है, कोई कोई करवा रहा है, तो ऐसा लगा मतलब सबके लिए ही है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आगे भी और कुछ दिखाएंगे कि सबकी पार्टी वार्टी, लेकिन जो एंड हुआ वो बहुत शॉकिंग था। बातें थोड़ी ज्यादा हुई थी ना तो साइड इफेक्ट लगने वाले साइड इफेक्ट बात पे लग गए ना होने वाले प्यार के साइड इफेक्ट। लेकिन चलें खैर बड़ा मजा आया एज यूजुअल इनकी वीडियोस में, बड़ा मजा आता है। हमारी तफरी देख के हम लोग देखते हैं सुनते हैं हंसते हंसते हमारी आंखों में पानी भी आ जाता है, झुर्रियां भी आ जाती है। चलिए बीबी की वॉइस के साथ बीबी को इजाजत दीजिए, ब्रदर्स के नए वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।